प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 की परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर पेपर आउट सॉल्वर बैठाने एवं अन्य माध्यमों से नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों सॉल्वरों एवं अभ्यर्थियों सहित कुल 29 लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गिरफ्तार किया गया। टेट परीक्षा सुबह की पारी में देने के लिए पूरी तैयारी के साथ परीक्षार्थी अपने अपने सेंटर पर प्रवेश करके टेट परीक्षा दे रहे थे। लगभग सभी परीक्षार्थी पेपर कर चुके थे, तभी अचानक प्रशासन के लोग कॉपियों को जमा करने लगे। परीक्षार्थियों के नीचे से जमीन खिसक गई जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने तत्काल प्रभाव से गैंग का खुलासा कर गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी, जिसमें 23 लोग तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसमें गैंगस्टर जैसी कार्रवाई तथा मकान पर बुलडोजर चलवाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर एसटीएफ ने अब तक करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिलों के नाम इस तरह से हैं: महेश चंद, रमेश चंद, संदीप वर्मा, राजेंद्र पटेल, धनंजय कुमार, शीतल कुमार, कुनैन राजा, टिंकू कुमार, नीरज शुक्ला, शिवदयाल, सन्नी सिंह, चंदू, कौशलेंद्र, फौजदार, अनुराग, अजय, चतुर्बुद्ध, ब्रह्मा, शंकर, सुनील, संजय आदि। आइए दिखाते हैं कि टेट परीक्षा के लीक होने के पेपर की पूरी रिपोर्ट क्या है।